भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास का सबसे नया पन्ना, मुश्किलों को मात देकर लिखी गई कहानी। एडिलेड टेस्ट में 36 रन पर सिमटी टीम इंडिया। Well, all out 36. You can imagine what the boys went through, and then to put up a show like they did was unreal. कप्तान विराट भी नहीं थे, कई खिलाड़ी चोटिल भी। What a breakthrough! तब ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल जमीन पर युवाओं ने संभाली कमाल। What a breakthrough will change! कंगारुओं को गढ़ में ललकारा। When your goal is to win the game, then no matter what happens around you, you try and fight it out. You never give up. You always want to come out on top. And to do that, sometimes you have to take the punches. Oh, that's nasty. Cricket ke jankaron ko hairan. Catch is taken in the stand. Rahane takes on Nathan Lyon, takes him on beautifully. Melbourne mein palatwar, Sydney mein barabari. In Sydney Test, the way we drew that match, I mean, there was multiple opportunities where Australians would have gotten into the game, but the way we played that innings was just outstanding for us. आखिर में कैबा में गजब धाना। The kind of character and the belief shown by the whole squad, I don't think that any victory has been more special than this. ये कहानी है साल 2020 की जनवरी ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने की। हाँ जी, कहाँ से शुरू कर, एक ही जगह से शुरू हो सकती है हमारी बातचीत। Let's go back to Striamites। जब मेरी नई एंट्री हुई थी टेस्ट टीम में 2018 के आसपास, तो उससे मैंने एक वो चल रहा था कि यार ओवरसीज में हमारे को जीतना है, क्योंकि विराट भाई भाई स्टार्टिंग से यही लीड करते थे और रवि भाई भी कि यार ओवरसीज अपने को जीतना है, वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट टूरिंग टीम, ऐसे ये हमारा थॉट था एज अ टीम। टेस्ट इतिहास की सबसे शानदार जीतों में शुमार है कैबा में टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर जीत। मेहमानों के लिए अभेद था ये मैदान। यहाँ जीत के साथ टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर दर्ज की लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज जीत। Phenomenal chase for the tourists. India win the series 2-1. They retain the Border Gavaskar trophy. Actually, अंदर घुस जाते तो ऐसा लग रहा है अकेले खेलते हैं। Actually, field कितना भी भरा हो, एक बार आप ग्राउंड के अंदर पहुंचे तो ऐसा लगता है कि आप और बॉलिंग है ग्राउंड में, यहाँ पर बॉलर ही खेल रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग आ जाता है। मैं और मेरी तनहाई वाला हो जाता है हिसाब किताब। मेरे को लगता है कि जो हम बोलते हैं ना जोन, एक डिस्कशन होता है कि यार जोन में रहना चाहिए। जोन यही होता है कि आपको पता ही नहीं लग रहा सराउंडिंग में क्या। वैसे सिडनी टेस्ट में गैबा वाली परफॉर्मेंस का ट्रेलर दिखा चुके थे ऋषभ पंत। पहले दो टेस्ट के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी। And it's a big one. The Indian skipper falls on just the 10th ball of the morning. तीसरा टेस्ट जीतने के लिए टीम इंडिया के सामने था 407 रन का एक नामुमकिन सा दिखने वाला टारगेट। ऋषभ पंत बैटिंग करने आए तो सिर्फ 102 रनों पर 3 विकेट गंवा चुके थे। Beautifully put away by Rishabh Pant. Does this time there's a man down in that direction, but he's hit it well enough and straight enough. Now he back cuts to bring up a typically entertaining 50 from Rishabh Pant, his third in test cricket. जब मेरा 70-80 रन हो गया फिर देखा यार अभी तो 150 रन चाहिए, डेढ़ सेशन पड़ा हुआ है, 1.5 सेशन पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार ये तो गेम ऑन हो गया, यहाँ तो अब जीतने के लिए ही जाते हैं। Pant takes them on the leg side, 4 more, moves into the 90s, Rishabh Pant. He advances and he goes! Rishabh Pant denied one of the great centuries by Nathan Lyon. इतनी मेहनत करी, tough situation से game बनाया, खत्म करके क्यों नहीं आया?
वो थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। ऋषभ पंत ने क्रीज पर रहते हुए आसानी से हार ना मानने का जज्बा जगा दिया, लेकिन इनके विकेट के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हावी हो गए। अब कमान संभाली हनुमा विहारी ने, साथ दिया रविचंद्रन अश्विन ने, चोट की परवाह ना करते हुए सिडनी टेस्ट को ड्रॉ कराया। Typically, it would be handshakes all around. It's fist pumps in these crazy times that we live in. But we have just witnessed one of the great escapes. India, passion, determination, pride, and a hell of a lot of talent. Back, hamstring, or अंदर क्या माहौल बना होगा ना? मतलब दिख रहा है दो टूटे हुए बंदे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं हर बॉल पे. एक सिर्फ स्पिनर्स को खेल रहा है, एक सिर्फ पेसर्स को खेल रहा है, and unbelievable. वही तो मतलब क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं रह जाता ना, इमोशन है भाई. मतलब सब लोग बैठ के हर बॉल में इतना इन्वॉल्व हो गए कि पागलपना ही चल रहा था भाई. हम तो मतलब हर चौके पे, हर डिफेंस पे, मतलब पूरी टीम खड़ी हुई है साथ में. तो ऐसे मैच खेलने का अलग मजा आता है यार, कि मिल के सारे साथ में खेल रहे हैं. और भाई ऐश भाई और विहारी ने यार तगड़ा ही करा यार, मतलब सीरियसली. जब ब्रिस्बेन में इंडिया उतरी तो सीरीज दांव पर थी. एक के बाद एक निराश करने वाली खबरें आ रही थी. मैच शुरू होने से पहले इतने चोटिल खिलाड़ी थे कि प्लेइंग 11 बनाना मुश्किल लग रहा था. इसीलिए ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट में दो खिलाड़ियों को डेब्यू करना पड़ा, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज टी नटराजन. मोस्टली एवरीवन ऑन द सेम पेज की टीम में कि भाई जो भी है यही है, मैच जीतना है अपने को. पहला थॉट प्रोसेस यही था. और एक्चुअली एक और मैच होता तो भाई प्लेइंग 11 नहीं बनती हमारी, तो प्लेइंग 10 से खेलना पड़ता मेरे को लगता. एक बंदा पहले ही रूल्ड आउट है, ऐसा हिसाब किताब हो गया था भाई. बट क्या स्टोरी हुई ना, मतलब कहते हैं तो दास्तान अफसाने. मजा तो आया यार, जो भी आया. घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है. शायद इसीलिए हमारी यंग टीम इंडिया ने चोट को ताकत में बदलने की ठानी. यार यही था कि टीटी खेल रहे थे एक दिन पहले इवनिंग में, कि यार माइंड रिफ्रेश होता रहना चाहिए. ज़्यादा एक्सट्रीमली ऐसे नहीं सोचना कि वो लोग यहाँ हारे नहीं हैं और ये सब. अपना बॉल देख के खेलेंगे भाई, जैसा होगा कर लेंगे. माइंड में सोचा हुआ मैच जीतना है. अब कैसे जीतना है ये तो अंदर ही पता लगेगा. बाहर से कैसे प्लान बना लें कि ऐसे जीत जाएंगे, तो बाहर टीटी खेलते हैं भाई. कहीं तो माइंड को कुछ तो देना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने उतरी. मानस लैबशेन ने सेंचुरी जड़ी. डेबिटेंट टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया को 369 रनों पर रोका. जवाब देने उतरी टीम इंडिया शुरुआत से ही बड़ी लीड लेने में नाकाम दिखी. फाइट बैक की पहली कहानी लिखी शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी ने. शॉट. दैट इज अ ग्लोरियस स्ट्रोक. वंडरफुल शॉट. बिग वाइंड अप फ्रॉम ठाकुर. क्लियर्स द लॉट टू ब्रिंग अप हिज फर्स्ट टेस्ट 50. डज इट इन स्टाइल. डाउन द ग्राउंड चार्जेस थ्रू. दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 294 रनों तक पहुंचे. एक बार फिर शार्दुल की अच्छी परफॉर्मेंस, इस बार गेंद से 4 विकेट्स लेकर.
बाकी काम किया युवा मोहम्मद सिराज ने। टेस्ट में पहली बार 5 विकेट लिए। As a man on the third man wrap takes the catch, 5 wickets for Siraj. अब नतीजे के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 328 रन्स। 32 साल से गैबा को जीत का किला बना रखा था ऑस्ट्रेलिया ने। जब टीम इंडिया रन चेस के लिए उतरी तो मनचाही शुरुआत की उम्मीद पर पानी फिर गया। लेकिन युवा शुभमन गिल और अनुभवी चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला। रवि भाई ने मेरे को एक बात बताई दैट ड्यूरिंग वन ऑफ द ब्रेक्स, एक तो शुभमन ने इतनी सॉलिड स्टार्ट दी थी, ही वाज आल्सो प्लेइंग व्हाट हिज सेकंड गेम, शुभमन का भी नया ही था, राइट, ही वाज प्लेइंग हिज सेकंड गेम, ही सेड कि वो नीचे वॉशरूम से आ रहे थे एंड ही सॉ यू एंड शुभमन चैटिंग एंड उन्होंने आज तक प्रीवियस क्रेडिट ये सेट किया, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या बात हुई। इसलिए मैं वहाँ पहुँचा, मैंने ऐसे काम लगाया, यार मैं देख रहा हूँ कि एक नए बच्चे खड़े हैं दोनों, गैबा पे खेल रहे हम यार, अरे बैठ के जीत का प्लानिंग बिठा रहे हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। नाउ आई नाउ गॉट यू, यू टेल मी व्हाट वाज हैपनिंग। शायद सेट कि मैं पता था ये निकाल के ले जाएंगे मैच। तो मैं और गिल तो पहले मतलब जब गैबा आ रहे थे हम लोग तो तभी से डिस्कशन चल रहा था कि यार ये करना है ये करना है, तो हमारा थॉट वहीं से था यार तगड़े होकर खेलेंगे मैच जिताना। तो मैं उसको बोल रहा था भाई अपन जिता देंगे मैच, अपना बिलीव रखते हैं अपन लोग। वो बोल रहा हूँ हाँ भाई ये करना है। फिर जब वो लंच की बात है, ये हमारा डिस्कशन चल रहा है कि यार जीतने के लिए खेलेंगे अपन, ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे। बोल रहा भाई सही लग रहा है, विकेट रन ठीक चल रहे हैं। मैंने कहा भाई अपन खेलते रहेंगे रन तो बन ही जाएंगे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे। टेस्ट के आखिरी दिन लंच के बाद शुभमन और कप्तान रहाणे के विकेट्स जल्दी गवा दिए थे टीम इंडिया ने। जीतने का वक्त 2 से कम सेशंस का, जीतने के लिए चाहिए 150 से ज्यादा रन्स। और ऋषभ पंत से 5वें दिन चमत्कार करने की उम्मीद। व्हाइट बॉल क्रिकेट में पावर हिटर के तौर पर जाने जाने वाले ऋषभ पंत ने कैसे खेली टेस्ट इतिहास की सबसे यादगार पारी? Sessions to go. It's been a riveting series for the ages. Can India continue to provide the resistance? Will they go for the runs? Will Australia break through? Series on the line and so much to look forward to in this session. It's gone. He's making his way back to the pavilion. Australia has 3. Well, here's a statement from India. Rishabh Pant. टीम इंडिया को जीत के लिए अब भी चाहिए थे 161 रन, वक्त बचा था 2 सेशन से कम। सारे फैंस की नजरें थी ऋषभ पंत पर। शुरुआत में पंत बहुत संभल कर खेल रहे थे, पहली 84 गेंदों पर सिर्फ 34 रन बनाए पंत ने। अब बोलो, लोग बोलते हैं आप तेज खेलता है यार, ये देखना ये कौन सा तेज होता है यार। मैं तो बॉल के हिसाब से खेल रहा हूँ, 100 बॉल में 50 रन बनाए मैंने, ये 50 का चल रहा है स्ट्राइक रेट, कौन सा तेज है ये बता दो आप मेरे को। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ये तो बॉल बताएगी ना, अच्छा बढ़िया बॉल डल रही होगी तो नहीं होगी इतने ज्यादा रन। फिर नेथन लायन के ओवर में मामला बदलता दिखा, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस छोड़ दिया। लेकिन ऋषभ पंत ने नेथन लायन को चौंकाने वाला शॉट खेल दिया। छक्का याद है मेरे को बस, क्या हुआ इससे पहले वो बॉल टर्न होके फर्स्ट स्लिप में चलेगी तो मेरे को था भाई ये तो पागल हो रहा होगा बॉलर की, यार भाई बॉल इतना टर्न कर रहा है, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा बॉल नहीं खेली हुई थी, नया ही था क्रीज पे, मैंने कहा मन में सोचेगा कि इधर डालता हूँ इधर से घूम जाएगी ना इतनी सी तो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा भाई यही मौका है अपना, और मिड ऑन ले रखा है क्योंकि इतनी घूमी यार बॉल सीरियसली, और ये थोड़ा बीच में डालने को देखेगा, इसने वहाँ देखा मैंने हाथ से ये तो उधर ही डाल दी इसने, अपन तो रेडी थे
निकले मारा रह गया यार ये आया मजा फिर सारे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ स्कोरबोर्ड चलाते रहे पंत की बैटिंग ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के माथे पर पसीना ला दिया इनकी सारी ट्रिक्स नाकाफी नजर आई और पंत पूरे कॉन्फिडेंट यार ये ना ऑफसाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप ना के बाहर इतना बड़ा पैच बना हुआ था तो ये उधर ही ला रहा था मेरे को मैंने कहा ये तो इधर ही डाल रहा है उधर खेलेगा रन ही नहीं बनते तो मैंने कहा ये डालनी इधर है आउट कैसे होंगे यहाँ जाके ऐसे खेलते हैं ये सारा खाली पड़ा हुआ है परसेंटेज वाइज वो बेस्ट था ऑप्शन क्योंकि लॉन्ग ऑफ ले रहा था इसमें डीप स्वीपर लिया तो फिर कहाँ मारे बंदा चौका चाहिए नहीं तो मारना पड़ेगा हाँ भारतीय फैंस की धड़कनें दूसरे छोर से विकेट्स गिरते रहने की वजह से बढ़ रही थी क्योंकि स्कोर बड़ा था ऐसे में पंत का साथ देने उतरा एक और युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हाँ छह बॉल के भीतर वॉशिंगटन सुंदर और पहली इनिंग में 67 रन बनाने वाले शार्दुल ठाकुर के विकेट जरूर लिए कंगारू हैं लेकिन ऋषभ पंत जश्न मनाने और गैबा का किला भेदने के लिए तैयार थे सिर्फ 3 रन चाहिए थे जब नवदीप सैनी आए पंत का साथ देने नाउ आई वांट ऋषभ पंत टू डू कमेंट्री आपने फाइनल उसके लिए फाइनल में अभी यहां पे सोच रहा हूं यार सैनी को अगर स्ट्राइक मिल गई ये देख लो 21.5 हो रहा है दिमाग में एक थॉट था सैनी को पहले बोला हुआ था और इसकी हैमस्ट्रिंग खींची हुई थी इसको बोला था भाई कहीं पर भी हो इस दुनिया में बॉल भाग जाइयो क्योंकि मेरे को था ये रन आउट हो जाएगा हाँ। कोई दिक्कत नहीं 8 विकेट हो जाएंगे हाँ। अपने मेरे को बताता मैं तो पहुंच जाऊंगा उधर को हाँ। बीट होगा तो कीपर के पास जाएगी हाँ। इतने में तो मैं तो माइंड से भी रेडी हूँ ना भागने के लिए पहले ही हाँ। मैंने कहा आउट तू नहीं होना है हाँ। तो मैं डिसाइडेड करा हुआ था और थोड़ा इस टाइम पे टेल भी फाइट थी हमारी हाँ। मतलब सैनी की भी फाइट थी और नटराजन बचा हुआ था इसके बाद सिराज नट्टू ने आज तक लाइफ में फर्स्ट टाइम बैटिंग करी थी मिचेल स्टार्क को खेल रहा है तो भाई कुछ पता थोड़ी ना है मैंने कहा भाई कहीं पर भी बोलो भाग लियो इट्स फॉल इट्स डाउन द ग्राउंड इट विल बी एट लीस्ट वन साइनी हैज गॉट एन इंजरी विद द ग्रोइन इट गोस एज फार एज द फेंस इंडिया इनक्रेडिबल ऋषभ पंत इज द स्टार इंडिया विन द टेस्ट एंड विन द सीरीज Phenomenal chase for the tourists. India win the series 2-1. They retain the Border Gavaskar trophy. What was that moment when you knew that you've taken the team over the line? What was this moment to Rishabh Pant? Yaar, mere ko actually samajh hi nahi aa raha tha react kaise karu. Theek hai, main to khel raha tha match ki jeetna hai ye. But mere ko tha ki yaar zyada excited na ho jaun. यार मज़ा तो आया यार फंसा वो मैच था और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो बिकॉज मैं वनडे T20 नहीं खेला टेस्ट में भी मेरे को नहीं मिल रही थी जगह तो मेरे को था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है मतलब मेरे को अपने से एक्सपेक्टेशन है ना भाई एज ए इंडिविजुअल कि अब अपने को तगड़ा करना है ये करना है वो करना है और मैं खेला नहीं फर्स्ट मैच तो इट वॉज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू की भयंकर भाई मैच जिता के दिया है सीरीज जिता के दिए ये वाला फीलिंग चाहिए था अपने आप को बोल रहा था कि यहाँ पर सेल्फ बिलीव वाला काम आता है कि जब कोई विश्वास नहीं कर रहा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है तो बस वही मैं अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था कि भाई ठीक है एक बोलते ना कि यार यू आर सो स्पेंट मतलब अंदर से कण कण जो इमोशन का है ना वो बहा दिया है तो ये यहाँ शायद सेलिब्रेशन नहीं है कुछ अलग रहा होगा मतलब जब सब लोग आए ना बस
ऐसे था, मैं तो उड़ रहा था माइंड में अपने, बाहर से दिखाना नहीं है कैसे कर रहे क्या के सब लोग हॉप कर रहे हो तो उठा रहा कुछ कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, मैं ऐसे खड़ा वो जिस को जो गंदा कर लो भाई हो गया अपना हो गया बढ़िया, मतलब ऐसे था फुट लेट जाता हूँ ऐसी वाली फीलिंग थी मेरे को उस टाइम पे। बट दिस सीरीज वाज अनबिलीवेबल फिनिशिंग एट गैबा विद ऑल द ऑलमोस्ट द होल टीम इंजर्ड अनबिलीवेबल। तभी तो वो क्रेज इसका डिफरेंट लेवल पे, इसका एड्रेनल रश जो सीरीज का था वो अलग लेवल पे था, और सबका इन्वॉल्वमेंट था ना, कोचेज हो फिजियो हो प्लेयर्स हो, जो नहीं भी खेल रहे वो इंजर्ड बैठे बार वो खेल कर गए। इस मैच की जो इमोशनल बात थी, यू नो पीपल यू स्पोक टू आफ्टरवर्ड्स एंड ऑल दैट, डू यू हैव लाइक रिचुअल, डू यू स्पीक टू मम्मी से या किसी से? रोहित भाई का याद है यार, एक्चुअली सबने स्पेशली बोला, बट रोहित भाई की एक चीज़ याद है क्योंकि वो मेरा रिएक्शन देख रहे थे, खुश तो यार सभी थे बट वो इतना देख नहीं रहे थे मेरे को कि भाई एक्साइटेड हो ये, कह रहे तुझे नहीं पता तूने क्या करा है, मैंने कहा भैया मैच ही जीते हैं क्या हुआ है, सीरीज जीत गए दूसरी बार ये वो, कह रहे जब तू क्रिकेट छोड़ेगा ना तब तुझे समझ में आएगा इस इनिंग की इंपॉर्टेंस, क्योंकि तुझे खुद नहीं पता है तूने करा क्या है, करा क्या वो मतलब वो फिर मेरे लिए थोड़ा सा था यार ठीक है यार बढ़िया तो लग रहा है थोड़ा सा। तो ऐसे रची गई भारतीय टेस्ट इतिहास में ब्रिस्बेन में जीत की कहानी, जिसमें हौसले का नया आयाम छुआ ऋषभ पंत ने और बने प्लेयर ऑफ द मैच। बट यूजुअली व्हेन यू डू दीज सेगमेंट्स ना डाउन मेमोरी लेन एंड ऑल दैट, तो मोस्टली रिटायर्ड क्रिकेटर्स के साथ होता है या थोड़े उम्र दराज के साथ होता है। यू आर इन योर मिड ट्वेंटीज बट वी हैव सच अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनक्रेडिबल मेमोरीज ऑन द फील्ड। कभी कभी रियलाइज होता है कि मतलब यार हैड सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स एक छोटे से सफर में। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है भैया, बट आई थिंक एज ए इंडिविजुअल आई ट्राई नॉट टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज मेरे को लगता है कि पास्ट पास्ट होता है, डजेंट मैटर व्हाट यू हैव डन, अच्छा बुरा एक्सीलेंट जो भी है, जो हो गया हो गया, अब लेट्स सी कि प्रेजेंट में कैसे करते हो और फ्यूचर में क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो मैं मेमोरी को मेमोरी की तरह ही रखता हूँ। मे बी एक चीज़ मैं एक्चुअली करता हूँ, मे बी इट्स नॉट वर्किंग फॉर एवरीवन, तो मैं चीज़ें भूलने की कोशिश करता हूँ कि इम्फोसाइज नहीं करता हूँ, अगर मतलब कभी कभार कुछ चीज़ होती है और आपको पता है कि यार ये बड़ी चीज़ हुई है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग नहीं नहीं प्लेइंग इट डाउन कि यार भाई कोई नहीं कर ले अभी, बिकॉज 25-26 में ये सारी बातें अगर मैं सोचूंगा तो फिर एक्सेल करने में मज़ा नहीं आएगा ना फिर, तो वो एक्सेल करने के लिए मेरे को अपने आप को टोन डाउन करने के लिए अपने आप को रोज़ हर कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, उनमें से ये भी बात है कि भाई ज़्यादा उड़ मत, अपना काम करते रहे और चलता रहे आगे। यंगिस्तान की ये कहानी इंडिया के हर शख्स को इंस्पायर करने की दास्तां है। वजह मुश्किलें तो आती ही हैं इम्तिहान के लिए। जनरली मैं कोशिश करता हूँ फोटो में साइड में ही रहूँ इंटेंशनली, सही है। ये भयंकर पता नहीं क्या हुआ भाई, मैं एक्चुअली ट्रॉफी पकड़ी हुई थी तो हमारे अराउंड ही सब लोग आ गए, तो फिर अब मैंने कहाँ भागे, यहीं बैठ जाते हैं यार, तो मतलब फीलिंग था यार ये, मतलब क्रेजी था वो जो एनर्जी थी ना यहाँ पे, वो क्रेजी थी यार, मतलब हर बंदे के चेहरे पे वो चीज़ दिख रही है। रघु भाई थोड़े ज़्यादा पुराने तो ज़्यादा हंसना नहीं होता ना तो ये एक थोड़े से सीरियस है, बाकी आप देख लो यार ए टू जेड हर बंदा मतलब एक्साइटमेंट के डिफरेंट लेवल पे था, और ऐसी सीरीज जीतना जहाँ इतने नीचे लगे हो फिर वहां से कम बैक करके जीतना, तो वो फिर डिफरेंट फीलिंग है यार। कैबा का किला भेद कर इन युवा खिलाड़ियों ने साबित किया कि इरादा पक्का हो तो हर चुनौती बोनी हो जाती है, सफलता कदम चूमती है। One of the most incredible sporting performances ever seen on Australian soil, and they have held on the Border Gavaskar Trophy. Truly epic Test series.